और आपस में दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हनफी देवबंदी जो है उनकी बहुत कोशिश है बरेलवियों को मना ले दना ले ताकि ये एक हो जाएं, लेकिन बरेलवी इनको तो मुंह भी नहीं लगाता। ये तो अगर मस्जिद में घुस जाएं तो इन्हें मस्जिदें दुलवाता है बरेलवी, बहुत दूर भागता है देवबंदियों। वहाबियों से तो बात ही नहीं करते, कहते ये लोग तो खर्रे लोग हैं, इसे तो छोड़ो ये तो खुले काफिर हैं, सीधे कहते। लेकिन देवबंदियों को ये कहते हैं ये चूहे हैं चूहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला, तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। हजरते मक्तूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला ये कैसी डायन का नाम इरशाद फरमाते कि सरकार गौसे पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी। तोबा तोबा तोबा, दिमाग खराब है तुम्हारा। गौस पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई? और जब आप बौलो बरास करते थे। क्या बोला तूने? औलो बरास, इतना मोटा वर्ड। जब आप रफ़े हाजत करते थे। दिस इज शिट। तो ज़मीन उसको निगल लेती। हाँ बेटा, लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। आपके बौलो बरास को फजलाब को किसी ने देखा नहीं, ज़मीन उसको निगल लेती थी। जो भी तुसी कीता सी ना, सारा घू खाते पाछड़े। और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? आज ये जो आलमी कुफर है जो इस वक्त तरक्की करके चांद तक सूरज तक चला गया, मेरे भाई उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने तहकीक की है, उन्होंने वक्त लगाया है। हम वापिस आते हैं अपने मौजू की तरफ। ये जो अजाय तनासल का टेढ़ा हो जाना, धाड़ थल्ले। अच्छा, धाड़ थल्ले का मतलब मुझे पहली दफा मैंने सुना था। धाड़ थल्ले आया ना, धाड़ थल्ले। अभी तक मुझे इसका मतलब नहीं पता धाड़ थल्ले का मतलब क्या है। तो करो ना। आए? लेकिन चूंकि वो रिएक्शन हुआ ना गुस्से में, तो मैं अब ये समझ रहा हूँ कि जब भी कहीं गुस्सा आए तो धाड़ थल्ले। अब उस दिन के बाद से मुझे भी जब भी गुस्सा आता है ना अपने साथी में, कहता धाड़ थल्ले। फिर आ गया ना स्टाइल, स्टाइल स्टाइल है, जलवा है हमारा। कह रहे ना साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। ना मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। मेरा पैशन है, मैं मिड़ मिड़ करके बात नहीं करता। मोहब्बत बहुत है मुझे इन हिसाब से ही बता। यह है गौस पाक की शान, इसलिए गौस पाक का मोहब्बत का माहौल घर में पैदा करो, बच्चे बच्चे को गौस पाक का आशिक बनाओ। तौबा करो, अपने बच्चों को ये वाक्यात सुनाओ, अपने बच्चों के हाथों में गौस पाक का दामन पकड़ाओ, अपने घरों के अंदर बच्चों को सिखाओ बेटा गिरते वक्त या गौसल मदद कह लिया कर, हड्डी नहीं टूटेगी। आपके पसंदीदा मुसन्निफ कौन है? अमीर अहले सुन्नत। आपके पसंदीदा शायर कौन है? अमीर अहले सुन्नत। आपके पसंदीदा आलिम कौन है? अमीर अहले सुन्नत। आपके पसंदीदा मुबल्लिग कौन है? अमीर अहले सुन्नत। आपके पसंदीदा लीडर कौन है? अमीर अहले सुन्नत। आपके पीरो मुर्शिद कौन है? अमीर अहले सुन्नत। आपको सबसे ज्यादा किसका प्रोग्राम पसंद है? अमीर अहले सुन्नत। आपके पसंदीदा टीचर कौन है? अमीर अहले सुन्नत। आपकी नज़र में सबसे अहम तंजीमी काम कौन सा है? मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करना। किस शख्सियत को देखते रहना बहुत पसंद है? अमीर अहले सुन्नत। किसके साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है? अमीर अहले सुन्नत। किसके मैसेज पर बहुत खुशी होती है? अमीर अहले सुन्नत। आपके आइडियल कौन है? अमीर अहले सुन्नत। देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है, एक तो टेंशन है। Hey, y'all, come look at this. मुफ्ती तारिक मसूद रूप बदल के मंडी पहुंच गए। व्लॉग भी ऐसे आ रहे हैं कि बस जो अटरम पटरम उठा के डाल दो, बस मैं जा रहा हूं, मैं नानी के जा रहा हूं, मैं खाला के जा रहा हूं, मैं पप्पो के जा रहा हूं। तू जा रहा है भाई, तू सारी दुनिया जाती है, तू पहली दफा थोड़ी जा रहा है। तो मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ दो ही मुफ्तियों को आज तक फॉलो कर रहा हूं,
एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और एक आप है, आप दोनों मुफ्त में मुझे बड़े पसंद है। अब आप भी अगर ये वाली हरकतें करेंगे तो माजरत के साथ मैं फिर मैं क्या करूँगा, मुझे बताए ना, मुझे बताए फिर मैं क्या करूँगा। जो बातें उन्होंने कही इमाम गजाली के मतलब कि वो कम इल्मी है और लिमिटेड नॉलेज है, हाँ ठीक है, इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी कि देखें जाहिल होना कोई बजाते खुद बुरी बात नहीं होती, सही कह रहे, लेकिन एक पुरएतमाद जाहिल होना ये माशरे के लिए बड़ी बुरी बात होती है। औकात मेरे, ये हमारे इंजीनियर साहब जो है ये सिर्फ जाहिल आदमी नहीं है, ये बड़े पुरएतमाद जाहिल है कि क्या जोक मारा भाई मजा आ गया भाई ये इमाम गजाली को कह रहे हैं कि लिमिटेड नॉलेज है इस वजह से वो नहीं कर सके। यहाँ पे तुम पूरे कुरान का जनाजा निकाल रहे हो गजाली की मोहब्बत में, कि वो सीधा सीधा अंबिया के मुर्ज़ात का इनकार कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। अगर आप ये कहें कि नबियों के मुर्ज़ात जो है फिजिकल फिनोमेना नेचर को नहीं तोड़ रहे तो भी मुर्ज़ा कौन सा हुआ फिर, वो अल्लाह से डर जाओ, वरना हम कहेंगे तुम्हारे सारे बुजुर्ग जो है हज़रत ईसा इब्ने मरियम की तरह बगैर बाप के पैदा हुए, तो ईसा इब्ने मरियम की तो गवाही मिल जाएगी और बाकियों के लिए इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या निकलेगा, इतनी बड़ी फजीलत इन्वर्टेड कामा में उनके खाते में डाल जाएगी। ठीक है फिर मानो, अल्लाह से डर जाओ यार, थोड़ा इल्म हासिल करो। किन जाहिल लोगों को तुम लोगों ने अपना इमाम माना भाई, जिन लोगों का बिल्कुल बेसिक दीन के साथ कोई लेना देना नहीं। आज मैंने उसकी अपनी किताब की एक बकायदा अपनी किताब की उसकी जो लाइफ स्टोरी लिखी हुई है वो मैंने शेयर करवाई है। तुम लोग अल्लाह के बंदो, तुम लोगों ने दीन का इल्म जिन लोगों से हासिल किया है हम तो उनको कुछ नहीं समझते, ठीक है, तुम लोग क्या चीज हो फ्रंटमैन बने हुए हो, अल्लाह के बंदो खुद पढ़ो गजाली को तुम्हें पता चले। और जिन वाबियों के फ्रंटमैन बन के तुम आते हो ना, वो तो वाबी के वो वाबी तो इमाम गजाली के इमाम को मशकूक समझते हैं, उनके ऊपर भी कभी भोंको ना, हम तो इल्मी इख्तलाफ कर रहे हैं, उसके कीदे बिदत के ऊपर मबनी थे, शिरकिया कायद थे, उसने अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखी है अलमुनकिसु मिन अद्दलाल, कि मैं उजालों का सफर गुमराही से निकल के मैं उजालों की तरफ कैसे गया, उजालों की तरफ क्या क्या सूफी हो गया, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये तो तसव्वुफ की बुनियादी जो मनाजिल है उसमें ख्वाब में नहीं बेदारी में आप अंबिया की रूहों से मिलते हैं और उनसे आप इल्म भी हासिल करते हैं, उनसे फैज भी हासिल करते हैं, ये उसने खुद लिखा है। और ये उसकी वो किताब है जो किताब उसकी जिंदगी की आखिरी किताब है, आप ये भी नहीं कह सकते कि गजाली इस किताब से तौबा करके मरे, ये उसकी जिंदगी की आखिरी किताब है अलमुनकिसु मिन अद्दलाल। अल्लाह के बंदो जिन लोगों की बाकी कंट्रीब्यूशन है उनका आप जिक्र करें, इंशाल्लाह हम अल-ख्वारिज़्मी का जिक्र करो मैं तारीफ करूं, बाकी अल-ख्वारिज़्मी जो है वो मॉडर्न मैथमेटिक्स का बानी है बिल्कुल मैं तारीफ करूं, इसी तरीके से इब्ने हय्यान की तारीफ करूं मैं बिल्कुल मानूं, लेकिन धक्के से एक बंदे में क्वालिटी नहीं है सिर्फ ये कि भाई वो एक मौलवी है उसको आप फल्सफी बना के पेश करें, मौलवी भी बेचारा क्या है, उसके दीन का बेसिक नॉलेज ये था जो मैंने आप लोगों को बताया।